नमस्कार, मैं हूँ सोनिया तोमर। हमारे शो में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। न्यायाधीश ने विशेष ट्रैफिक लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में 10 तारीख को यानी कि कल एक ट्रैफिक लोक अदालत हो रही है। ये ट्रैफिक लोक अदालत थोड़ी सी डिफरेंट होगी पिछली जो लोक अदालत दिल्ली में हुई है उनसे। एक चीज़ तो इस बार हमारे पास कियोस्क नहीं होंगे जहां से ट्रैफिक के चालान जनरेट होंगे। इस बार पब्लिक को खुद से अपने चालान जनरेट करने हैं। इस पर्पज़ के लिए 7 अक्टूबर सुबह 10 बजे ट्रैफिक की वेबसाइट पर लिंक खुल गया था। उस लिंक पे अपने डिटेल्स डाल के लोग खुद अपने चालान जनरेट कर सकते हैं। और कल सिर्फ उन लोगों को कोर्टों में एंट्री मिलेगी जिनके पास प्रिंट आउट होगा चालान का। तो अगर लोगों के पास प्रिंट आउट नहीं है चालान का तो उनको उनके चालान क्लियर नहीं होंगे और उनको कोर्टों में एंट्री भी नहीं मिलेगी। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि इस बार हमने सिर्फ वो चालान इस लोक अदालत में रखे हैं जो कि 30 जून 2020 से पहले के हैं। 30 जून 2020 के बाद के चालान नहीं जनरेट हो रहे हैं। तो ये पर्पज़ इसका ये था कि हम लोगों को लिमिट कर पाएँ और एक क्राउड मैनेजमेंट हो पाए कोविड की स्थिति को दिमाग में रखते हुए।